लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 13। ये एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आपने सीजन 6 के अभी तक के 12 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये एपिसोड समझने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप उन 12 एपिसोड का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, आपको उसी में पूरे के पूरे एपिसोड डिटेल में मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कई एपिसोड में हमने देखा कि दूसरी लाइफ में सॉयर ने केट को पकड़ लिया है, और इधर जीन की फाइट में सन को गोली लगी है, और इधर स्कूल के पास डेजमंड ने गाड़ी से जॉन को उड़ा दिया है, और आइलैंड पे जॉन ने डेजमंड को एक वेल में धक्का दे दिया है, और उसी के थोड़ी देर बाद जॉन को मिलने हुगो का पूरा ग्रुप आ गया है। और अब आगे, अब जॉन जैक को बोलता है कि हमें अकेले में बात करनी होगी, और वो दोनों ग्रुप से अलग बात करने के लिए चले जाते हैं। अब जैक जॉन को पूछता है कि थोड़ी देर पहले मैंने मेरे डैड का कफन यहाँ पे देखा, तो मुझे बताओ कि क्या तुमने वो कफन यहाँ पे लाया। तब जॉन हाँ बोलता है। फिर जैक उसे पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब जॉन बोलता है कि जेकब ने तुम्हें यहाँ पे ट्रैप में फंसाया है, तुम्हें धोखे से इस आइलैंड पे लाया है ताकि तुम में से कोई उसे रिप्लेस कर सके, पर अब वो मर गया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ के जाना चाहिए। दूसरे आइलैंड पे एक प्लेन है, उसमें बैठ के हम सारे लोग इस आइलैंड से चले जाएंगे। तब जैक बोलता है कि तुम अकेले उस प्लेन से जा सकते हो। तब जॉन बोलता है कि अगर हमें जाना है तो साथ में जाना होगा, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है, बेन जॉन को लेकर हॉस्पिटल में आ गया होता है, और वहीं पे दूसरे एम्बुलेंस में सन को भी उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। सन जॉन को देख के डर जाती है, और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब जॉन और क्लेयर उनके ग्रुप के पास वापस आ रहे होते हैं कि तभी उन्हें क्लेयर मिलती है, क्लेयर उनको फॉलो कर रही होती है। जॉन उसे पूछता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रही हो। तब क्लेयर बोलती है कि जैक मेरा भाई है। तब जॉन उन्हें बात करने के लिए वहीं पे छोड़ के वहां से चला जाता है। क्लेयर जैक को बोलती है कि तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैक भी उसे बोलता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब सीन शिफ्ट होता है, सॉयर और हुगो बात कर रहे होते हैं। तब सॉयर हुगो को बताता है कि विडमोर के पास एक सबमरीन है और उसी से हम यहाँ से जाने वाले है, और तभी वहां पे क्लेयर जॉन और जैक आ जाते हैं, और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब सॉयर केट से बात कर रहा होता है, वो केट को बोलता है कि तुमने मर्डर किए हैं, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है। केट बोलती है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मुझे तुम छोड़ दो, पर सॉयर उसे छोड़ने से मना करता है। तभी वहां पे माइल आता है, और वो सॉयर को बोलता है कि कल जिस लेडी को गोली लगी थी जिसका नाम सन था, उसके वहां पे हमने सईद को देखा है, और ये सईद बहुत ही नामचीन आदमी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, अब फिर से सीन आइलैंड पे वापस आता है। अब हमें जॉन का ग्रुप दिखाई जाता है, जहाँ पे जॉन को मिलने जोई आती है। जोई जॉन को बोलती है कि तुमने हमारे यहाँ से डेजमंड को उठा लिया है, हमें उसे वापस कर दो। जॉन बोलता है कि हमने किसी को नहीं उठाया है। तब जोई अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि इन्हें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, और तभी वहां पे एक रॉकेट आकर फट जाता है। जोई जॉन को बोलती है कि तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, तुम हमें डेजमंड को लौटा दो, नहीं तो फिर तुम्हारा हाल बेकार हो जाएगा। जोई उसे वॉकी-टॉकी देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन वो वॉकी-टॉकी जॉन तोड़ देता है। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है, हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, वो एक एडॉप्शन एजेंसी के पास आई होती है कि तभी उसे वहां पे डेजमंड मिलता है। डेजमंड क्लेयर से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम अगर अकेले एडॉप्शन एजेंसी में जाओगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, मेरे पास मेरा वकील है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। तब क्लेयर बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। डेजमंड बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सारा मैं देख लूंगा। तब क्लेयर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब डेजमंड क्लेयर को लेकर इलेना के पास आता है। इलेना जब क्लेयर से बात करती है तब उसे उसका नाम पता चलता है तो वो शॉक हो जाती है, और वो क्लेयर को बोलती है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और कोइंसिडेंसली तुम यहाँ पे आ गई, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तभी वो दोनों अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं, और सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जॉन का ग्रुप को दिखाया जाता है, वो सब लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जॉन सबको बोलता है कि वो लोग हमें मारना चाहते हैं,
इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा। फिर जॉन सॉयर के पास आता है और उसे एक मैप देता है और बोलता है कि तुम्हें जाकर ये बोट लेकर वहां पे आना होगा। मैंने इस मैप में बोट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। फिर जॉन सईद से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। सॉयर जैक के पास आता है और उसे बोलता है कि हमें तुमसे बात करनी है। सॉयर जैक को बोलता है कि हम मिस्टर लॉक के साथ नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मेरी वीडमोर से डील हो गई है। हम वीडमोर के पास जाएंगे और इस आइलैंड से निकल जाएंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने सारे बंदों को इस बोट के पास लेकर आना है और हम उस बोट में से दूसरे आइलैंड पे चले जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। जॉन और सईद बात कर रहे होते हैं। तब जॉन सईद को बोलता है कि तुम्हें जाकर डेजमंड को मारना होगा। सईद जॉन को बोलता है कि मुझे लगा तुम डेजमंड को उन लोगों को वापस कर दोगे। तब जॉन बोलता है कि डेजमंड की वजह से हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम उसे जाकर मार डालो। तब सईद इस काम के लिए मान जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है। अब सईद डेजमंड को मारने के लिए उस वेल के पास आ जाता है। तब डेजमंड उसे पूछता है कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। सईद बताता है कि जॉन ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। तब डेजमंड उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जॉन तुम्हारी वाइफ को वापस लौटा देगा। तब सईद सोच में पड़ जाता है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। अब सईद केमी को मार के अपने घर में वापस आता है। वो अपनी बैग पैक करके वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। नादिया दरवाजा खोलने जाती है तो वहां पे माइल होता है और तभी सईद दूसरे दरवाजे से भाग रहा होता है पर उसे सॉयर पकड़ लेता है और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब सॉयर उस बोट के पास आ गया होता है। इधर जॉन का ग्रुप बीच की तरफ जा रहा होता है। तब जॉन बोलता है कि तुम बीच की तरफ चलते रहो, मैं वापस जाकर देख कर आता हूँ कि कोई पीछे रह गया है या नहीं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसके दोस्तों को लेकर उस ग्रुप से निकल जाता है पर उन्हें जाते वक्त क्लेयर देख लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है। जॉन सईद के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने डेजमंड को मार डाला। तब सईद बोलता है कि हाँ, मैंने उसे मार डाला। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें जैक को दिखाया जाता है। वो सब लोग बोट की तरफ जा रहे होते हैं और फाइनली वो बोट के पास पहुंच जाते हैं। वो बोट पर चढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पे क्लेयर आ जाती है। क्लेयर उन सबको बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक यहाँ पे जॉन नहीं आया है। तब केट क्लेयर को समझाती है कि वो जॉन नहीं है, वो एक ब्लैक स्मोक है और वो हमें मार डालेगा। और वो क्लेयर को बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो, हम यहाँ से अपने घर वापस जाएंगे। मैं इस आइलैंड पे सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलाना है। फिर केट बोलती है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे साथ चलो। और तब क्लेयर मान जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दूसरे लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जैक और डेविड एडॉप्शन ऑफिस के पास जा रहे हैं। अब एलिना जैक और डेविड को क्लेयर के पास लेकर आते हैं और अब क्लेयर को पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। अब जैक और सॉयर बात कर रहे होते हैं। तब जैक सॉयर को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये हम सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें जॉन को इस आइलैंड से छोड़ के जाने के लिए रोकना चाहिए। पर सॉयर उसकी बात नहीं मानता। सॉयर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मन की करनी है तो तुम इस बोट से जा सकते हो। तो जैक थोड़ा सोचता है और बाद में उस बोट से जंप कर देता है। तब केट चिढ़ जाती है और वो जैक को आवाज लगाती है, उसे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। पर जैक उसे कुछ नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। केट सॉयर को पूछती है कि तुमने उसे क्या बोला जिसकी वजह से उसने इस बोट से जंप कर दिया। तब सॉयर बोलता है कि उसने उसका माइंड चेंज कर दिया है और अब वो हमारे साथ नहीं आने वाला। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है जहाँ पे सुन को होश आ जाता है। तब सन जिन को पूछती है कि क्या हमारे बेटे को कुछ हो गया। तब जिन बोलता है कि हमारा बेटा अभी ठीक है। अब जैक हॉस्पिटल में आ जाता है और वो वहां पे एक ऑपरेशन करने के लिए आया होता है। तब उसे पता चलता है कि वो जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो जॉन है। तब वो उसके नर्स को बोलता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ। और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट हो जाता है। जैक तैरते तैरते बीच पर आ जाता है, तभी उसके पास जॉन आता है। जॉन जैक को पूछता है कि क्या सॉयर मेरी बोट लेकर गया। तब जैक उसे हाँ बोलता है
और तभी से दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे सॉयर का ग्रुप उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। तभी वीडमोर के आदमी उनके पास आ जाते हैं और उन्हें गन नीचे करने के लिए बोलते हैं। तब जोई बोलती है कि हम इन्हें जानते हैं, हम गन नीचे कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे जीन आता है। जीन सन को देख के बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को हग करते हैं। अब सन जीन को मिलने के कारण उसकी इंग्लिश में बोलने की आदत भी वापस आ जाती है और वो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करती है। और इन्हें मिलता हुआ देख बाकी सब लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब होते वक्त जोई को विडमोर का कॉल आता है। विडमोर उसे बोलता है कि सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो। सॉयर बोलता है कि हमारी डील हुई थी। तब जोई बोलती है कि तुम्हारी डील कैंसिल हो गई है। और फिर वो जॉन के ग्रुप पे बॉम्ब छोड़ देते हैं। जैसे ही जॉन के ग्रुप पे बॉम्ब पड़ता है वहाँ के सारे लोग मार जाते हैं और अब वहाँ पे बस जैक और जॉन ही बचे होते हैं। जॉन जैक को बचा के वहाँ से लेकर जाता है और यही पे एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।